बैक टू आवर चैनल, इट्स मी एरा। सो गाइस, आज पहली बार मेरे साथ साशा नहीं है, क्योंकि ये बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि वो अभी यहाँ पे नहीं है, इसलिए आप सिर्फ मेरा ही चेहरा देख पाएंगे गाइस। तो साशा बहुत जल्द आएगी। और गाइस, अब हम इतने दिनों बाद वीडियो लाए हैं, तो कोई नॉर्मल वीडियो तो हो नहीं सकती है, पुराना कंटेंट तो हो नहीं सकता है, कुछ नया कंटेंट चाहिए। सो गाइस, आज हम फर्स्ट टाइम एवर करेंगे रोस्टिंग। यस गाइस, रोस्टिंग तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। अरे रुको, जरा सबर करो। पहले मैं ये तो बता दूं कि हम रोस्टिंग किस पे कर रहे हैं। तो आज हम रोस्टिंग करने वाले हैं RS Gamers पे। यस गाइस, और RS Gamers कोई और नहीं, शेरी है। सो गाइस, ये है उसका चैनल। गाइस, ये वीडियो सिर्फ एक फन के लिए है, और मैं फर्स्ट टाइम रोस्टिंग कर रही हूँ शेरी के ऊपर। वो भी हमारी रोस्टिंग करेगा, तो आप उसके चैनल पे नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप देख सकते हैं। सो गाइस, ये रोस्टिंग में आपको बहुत मजा आएगा, और गाइस ये जस्ट फॉर फन है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप एक क्लिप देख लीजिए। आपको आज शायद आप कुछ याद रखे होंगे कि आज क्लैश ऑफ क्लैन में आया था लॉस्ट एंड क्राउन का ट्रेलर। ये देखिए, ऑफिशियल टीजर, ऑफिशियल ट्रेलर ये भी आया था, ये शायद आपने नहीं देखा होगा। तो इसी वीडियो में आज हम आपको यही लॉस्ट एंड क्राउन ही दिखाने वाले हैं गाइस, तो इसको एंड तक देखना। चलिए तो गाइस अपना यूट्यूब खोल लेते हैं। ये यूट्यूब, चलो स्टार्ट करते हैं। पहले से करते हैं, मैं बीच में बोलने नहीं वाला हूँ, आपको पूरी स्टोरी पता चल जाएगी। यस गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं इस पूरी वीडियो में क्लैश ऑफ क्लैंस का बस ये ट्रेलर दिखाया गया है। अगर किसी को ये देखना ही होगा तो वो डायरेक्ट अपनी COC की ID पे जाके उस पे क्लिक करके देख सकता है। मतलब कोई क्यों ये वीडियो ओपन करेगा, इसको बनाने के पीछे क्या क्या वजह रही होगी। और ये तो ऑलरेडी यूट्यूब पे डाली, अब इसको दोबारा डालने का क्या फायदा। बंद करो हाथ जोड़ के। मैं को अभी दो ब्लॉक्स और बचे थे, दो चार बार और वाओ वाओ हो जाती। 1 minute 37 seconds later. गाइस, ये सब देखने के बाद मेरे कानों से ही नहीं आंखों से भी टमाटो केचप निकलने लग गया। गाइस, साशा इज बैक। तो चलिए वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हुए। गाइस, जैसा कि आप देख रहे हैं, अगर आप माइनक्राफ्ट खेलते होंगे तो आपको पता होगा कि ये डॉग तो है नहीं, ये वुल्फ है। तो आप भी इसे डॉग ही समझते थे। मुझे लगता है वीडियो यहीं खत्म करनी पड़ेगी, क्योंकि साशा अब यहाँ पे नहीं, मैं इधर ही हूँ। मुझे लगता है इस वीडियो में शेरी से ज्यादा मेरी रोस्टिंग हुई है। सो गाइस, थैंक्स फॉर। नहीं नहीं, अगर आप चाहते हो मैं एरा का रोस्ट करूँ तो एक कमेंट भी आएगा ना, मैं सबसे पहले जाके इसका रोस्ट बनाऊंगी। हाँ, तो गाइस, अगर आपको इस वीडियो में थोड़ा सा भी मजा आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।